Good morning students, welcome to social science class. Yes students, today we are going to discuss the contact of our country with Sri Lanka, Southeast Asia and China. कि श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे थे इन एंशियंट टाइम. ठीक है, इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड आर कॉन्टेक्ट विद सेंट्रल एशिया इन विच वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्टेक्ट ऑफ आर कंट्री विद द चाइना एंड कुची, इट मीन्स अफगानिस्तान. ओके, सो लेट्स डिस्कस इंडियाज कॉन्टेक्ट विद श्रीलंका. फर्स्टली हम श्रीलंका के साथ हमारे कॉन्टेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं. वी हैव कॉन्टेक्ट विद श्रीलंका फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम. और यहाँ पर इंडियंस सेटल होना स्टार्ट हुए थे 6th century BCE में इंडियंस स्टार्टेड सेटलिंग इन श्रीलंका. ओके, एंड द किंग ऑफ बंगाल, बंगाल के किंग ने श्रीलंका को कंकर किया था. किंग ऑफ बंगाल कंकर्ड श्रीलंका एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ सिंघल डायनेस्टी. और वहां पर कौन सी डायनेस्टी का किंगडम एस्टैब्लिश किया? सिंघल डायनेस्टी का. क्लियर, कि बंगाल का जो रूलर था उसने श्रीलंका पर अपना कंट्रोल करने के बाद सिंघल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया वहां पर. अशोक ऑल्सो सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू प्रीच बुद्धिज्म. अशोका ने, एज वी ऑल नो दैट अशोका वॉज नोन फॉर धर्म विजय, अपने मैसेंजर्स, अपने ग्रुप ऑफ पीपल वो सेंड करते थे अनदर मैनी कंट्रीज में. उन्होंने किए सेंड, तो डिफरेंट कंट्रीज में जब सेंड किए तो वहाँ पर श्रीलंका में अशोका ने किसको भेजा? हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा. महेंद्र को और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए. द रूलर ऑफ श्रीलंका, और उसका क्या नेम था? टिसा. श्रीलंका के रूलर का नाम था टिसा. द रूलर ऑफ श्रीलंका ऑल्सो सेंट अ डेलीगेशन टू मीट अशोका. नाउ व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, जो मैसेंजर हैं, जो बात करने आए हैं. ठीक है, तो टिसा ने भी उससे उसका इम्पैक्ट आया उनके ग्रुप का, महेंद्र और संघमित्रा का. तो टिसा ने अपने लोगों को, अपनी एक डेलीगेशन को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अशोका से मिलने के लिए भेजा. महावामसा एंड दीपवामसा, दीज आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर रिलेशन विद श्रीलंका. महावामसा और दीपवामसा में हिस्ट्री के बारे में लिखा है, हमारे रिलेशंस के बारे में बताया है कि एंशियंट टाइम पीरियड में श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन कैसे थे. बुद्धिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर देयर एज अशोका सेंट इट्स ग्रुप ऑफ पीपल टू स्प्रेड बुद्धिज्म देयर. तो वहाँ पर बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया. ओके, और बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ श्रीलंका बुद्ध घोष, उसने भी जातक स्टोरीज लिखी, बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी उसके ऊपर, डिफरेंट अपने व्यूज बताए जातक स्टोरीज पर. ओके, एंड दीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया और वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड की अलग अलग लैंग्वेजेस में इन कमेंट्स को ट्रांसलेट किया गया और इन जातक स्टोरीज को ट्रांसलेट किया गया. सो दिस इज अबाउट श्रीलंका, कि श्रीलंका में कैसे किया. हमारे बहुत पुराने रिलेशन हैं और बंगाल का जो किंग था उसने श्रीलंका को कंकर किया एंड वहाँ पर सिंगल डायनेस्टी का रूल एस्टैब्लिश किया. अशोका ने भी अपने जो मैसेंजर्स थे, अपने जो मिशनरीज थी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने की, उन्हें भेजा टू प्रीच बुद्धिज्म. और उसमें उसने अपने सन महेंद्र वर्मा, महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को वहाँ पर भेजा था. ओके, और श्रीलंका के किंग टिसा ने भी अशोका को मिलने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड किए थे. महावामसा और दीपवामसा में हमें बुक्स हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. और बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ वहाँ पर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ श्रीलंका जो बुद्ध घोष है उसने जातक स्टोरीज पर बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी.
ठीक, सो दिस इज द कॉन्टेक्ट विद श्रीलंका। ये अब हमने श्रीलंका का कॉन्टेक्ट इंडिया के साथ रीड किया है, ठीक है। सो रीड इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।